नमस्कार, जय उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड से मैं आज अपने गांव पाणी रानी में आया हूं, और जो कि समुद्र तल से लगभग 2600-2700 मीटर की ऊंचाई पर है। और परसों ही साल की अंतिम कह सकते हैं बर्फबारी हुई है। और यहां के लोग जो कि घरों में ही कैद है, और जो भी जानवर है, पशु, गाय, बकरिया, बच्ची, भेड़, बकरी, सारे घरों में ही कैद है। और गाँव के सभी लोग बहुत ही परेशान है, क्योंकि ये जब तक लोग व्यवस्थाएं करते उससे पहले ही यहाँ पर बर्फबारी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा गांव बर्फबारी से लदलद है, और सारी पहाड़ियाँ, सारे घर कैद हुए हैं। और फिर मौसम ख़राब होने वाला है, कुछ ही समय बाद हो सकता है कि बर्फबारी हो जाए। और यहाँ के लोगों का कहना है कि उन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो अनाज है, खेती बाड़ी है, और गाय बछी यहाँ के बासिंदे हैं, ये सभी लोग परेशान हैं। और आवागमन का साधन कुछ है नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सारे माध्यम ठप हो चुके हैं, और काफ़ी कुछ यहाँ पर इनको झेलना पड़ रहा है। अभी देखो, जैसे कि मौसम अभी ख़राब हो गया, और कुछ समय बाद फिर से बर्फबारी शुरू होगी। मैं अभी अपने गांव में हूँ, और मेरे गांव में सारे घर लगभग कैद हो चुके हैं बर्फबारी से, और सभी लोग घरों से बर्फ़ हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप के मकाने बनाए जाते हैं ताकि बर्फबारी ज़्यादा टिके ना छतों में। और घरों में काफ़ी ठंड है, लगभग टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री के आसपास। अभी दिन का तापमान मैं बताना चाहूँगा, दिन का तापमान लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस पर है। और इधर इस पूरा गांव कैद हो चुका है बर्फबारी से। आवागमन का कोई साधन है नहीं, पैदल का रास्ता है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर पैदल आजकल हम लोग चल रहे हैं। और सड़क मार्ग तो बर्फबारी से लदलद हो चुका है, कहीं आने जाने का कोई साधन है नहीं। और अगर कोई यहाँ बीमार पड़ गया, या कोई यहाँ जो स्वास्थ्य से संबंधित जो यहाँ लोगों की शिकायतें हैं, जो अगर बर्फबारी ज़्यादा बढ़ गई तो आने जाने की दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य का कोई माध्यम है नहीं। दूर संचार के लिए भी यहाँ के लोगों को लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, और आजकल जो एकमात्र नेटवर्क है यहाँ पर, जो दूर संचार का माध्यम है BSNL, वो आजकल उसका नेटवर्क है नहीं, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और पानी के नल जम चुके हैं, लोग आने जाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, सारे जो भी घास पूँस थी लोगों की वो दब चुकी है, और सब्जी वगैरह जो भी थी वो दब चुकी है, गाय बछिया, भेड़ बकरी सारे अंदर घरों में कैद हैं, और लोग बहुत ही परेशान हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे गांव का नज़ारा, और मैं ले चलता हूँ आपको अपने गांव की तरफ। खुट रहे हो के खुट रहो चार लाकड़ घर वाली छोड़ी लाकड़ा घर वाली छोड़ी कई दिन वास्ते मैं बिहड़िया छो बड़े दिल क्या खाद नहीं को बड़ा होता गाड़ा लाख लिया और ज्योति यहाँ खेल कर रही है।